Good morning, children. Today in this video we will continue exercise 15A question number 4th convert into meters. हमारे पास given है 9 किलोमीटर 167 meter. इसको change करना है, convert करना है किसमें? Meters में. Okay, now 9 किलोमीटर 167 meter. तो पहले हम 9 किलोमीटर किसमें चेंज करेंगे? मीटर में. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. ठीक है, तो हमारे पास लिखते हैं यहाँ पर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 meter. ठीक है, तो 9 किलोमीटर में कितने होंगे? 1000 को मल्टीप्लाई किया किससे? 9 से, डैट इज 9000 meter. ओके, अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा गिवन होते हैं 167 meter, वो हम क्या करेंगे? ऐड. तो 9 किलोमीटर 167 meter क्या करते हैं? 9000 में ऐड करते हैं 167 को, तो आंसर इज 9167 meter. ओके, बी पार्ट. बी पार्ट में आपको गिवन है 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर एंड 75 meter. सेम आपने ऐसे ही करना है, पहले किलोमीटर को चेंज करना है किसमें? मीटर में, और देन जो एक्स्ट्रा वैल्यू है हमारे पास मीटर में उसको हम ऐड. ओके, नाउ 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 meter, तो 35 किलोमीटर क्या बन जाएगा? 1000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 35 से, तो डैट इज 35000 meter. ओके, नाउ अब 75 एक्स्ट्रा है ना हमारे पास, तो 35 किलोमीटर 75 meter, तो क्या करेंगे? इस 35000 में हम ऐड कर देंगे 75 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? 35075 meter. ओके, नाउ सी पार्ट. सी पार्ट में हमें गिवन है 9200 सेंटीमीटर 9200 सेंटीमीटर. इसको किस में चेंज करना है? मीटर में. ओके, हमें पता है ऑलरेडी कि 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे? तो जो 100 कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में, तो 1/100 meter. अब 9200 सेंटीमीटर है, इसको चेंज करते हैं, तो 9200 को डिवाइड करेंगे किससे? 100 से. ठीक है, 20 है, 20 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 92 meter. ओके, नाउ लास्ट पार्ट, 48000 mm. ठीक है, मिलीमीटर. ओके, डी पार्ट में दिया हुआ है 48000 मिलीलीटर. मिलीमीटर को चेंज करना है किसमें? मीटर में. ओके, तो 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं मीटर? 1/1000 meter. ओके, तो देन 48000 मिलीमीटर इक्वल टू, तो 48000 को किससे डिवाइड करोगे आप? 1000 से. ये भी 30, ये भी 30, 30 कैंसिल आउट. नाउ आंसर क्या आ गया? 48 meter. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, कन्वर्ट इंटू केजी एंड ग्राम. हमें क्या करना है? चेंज करना है किसमें? केजी में और ग्राम में. फर्स्ट हमें गिवन है 5000 ग्राम. ओके, फर्स्ट 5000 ग्राम को किसमें चेंज करना है? केजी और ग्राम के अंदर. तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं ना, तो 1 ग्राम में कितने हो गए केजी? 1/1000 केजी. ओके, जब 1 केजी में 1000 ग्राम है, तो ग्राम निकालेंगे, तो ये 1000 है, इक्वल टू के बाद वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में. तो 1 ग्राम में कितने हो गए? 1/1000 केजी. तो 5000 ग्राम है, तो पुट करो यहाँ पे 5000 ग्राम में कितने होंगे? तो 5000 को यहाँ लिखो 1000 में. ठीक है, 20 से 30 कैंसिल, इट मीन्स 5 केजी आपका आंसर आ गया, और ग्राम कितने हमारे पास? 0 ग्राम. ओके, तो आंसर क्या आएगा इधर? 5 केजी 0 ग्राम. नाउ बी पार्ट, 16000 ग्राम है, इसको भी चेंज किस में करना है? केजी में और ग्राम में. तो सेम, 1 ग्राम में कितने होते हैं हमारे पास? 1 ग्राम में 1/1000 केजी. ओके, तो देन हमारे पास 16000 ग्राम में कितने होंगे? ना लिखो 16000 ग्राम. ठीक है, तो 16000 ग्राम को किसे डिवाइड करेंगे? 1000 से. 30 से 30 कैंसिल, इट मीन 16 केजी आपका आंसर आ गया, और ग्राम क्या है हमारे पास? 0 ग्राम. ओके, नाउ सी पार्ट. सी पार्ट में गिवन है 7250 ग्राम
7250 ग्राम। ओके, इसको चेंज किस में करना है, केजी और ग्राम में, एंड ग्राम में, ठीक है। तो 7250 को, मतलब हमारे पास 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1/1000 होते हैं, तो 72 ग्राम को किस में करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किससे करेंगे, 1000 से, ठीक है। अब 1000 से देखो, अब डिवाइड करते हो 7250 को किससे, 1000 से, तो 1000 सेवन था 7000 माइनस किया तो आंसर क्या आया, 250। तो जी क्वेश्चन की क्यों की वैल्यू होती है वो क्या बन जाता है हमारे पास, केजी, और रिमाइंडर आया होता है वो क्या बन जाता है, ग्राम, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 7 kg 250 ग्राम। ओके, डी पार्ट भी सेम ऐसी है, आपको इसको डिवाइड करना, तो 13 हमारे पास क्या आ जाएगा, केजी, और ये नेक्स्ट वैल्यू है लास्ट 3 178, ये क्या बन जाएगा, ग्राम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, कन्वर्ट इनटू मिली लीटर्स। हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, कन्वर्ट करना है लीटर को किस में, ml में, ठीक है। तो हमारे पास, हमें पता है कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। ओके, तो 6 लीटर है हमारे पास, तो 6 लीटर में कितने होंगे, या लिखो 6 लीटर को हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई किस से, 6 से, डैट इज 6000 ml। ओके, अब देखो नाउ बी पार्ट, 45 लीटर, तो 45 लीटर है, इसको किस में चेंज करना है, ml में, सेम 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml, ठीक है। तो 45 लीटर में कितने होंगे, 1000 को मल्टीप्लाई किस से, 45 से, तो डैट इज 45000 ml। ओके, नाउ सी पार्ट, सी पार्ट में गिवन है 1 लीटर 16 ml। ओके, 1 लीटर 16 ml, इसको चेंज करना है किस में, ml में। पहले आप क्या करोगे, सेम जैसे लास्ट पीछे करते आ रहे हैं कि हम लीटर को चेंज करेंगे ml में, और जो एक्स्ट्रा होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 होते हैं ml। ओके, तो 1 लीटर 16 ml में क्या होगा, 1000 में प्लस कर देंगे 16 को, डैट इज 1016 ml आंसर आ जाएगा। ओके, जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है उसको ऐड करते हैं, और जो दूसरी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं ml में। ओके, नाउ लास्ट 8 ml 325 ml, डी पार्ट, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही आएगा कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 होते हैं। ओके, तो हमारे पास 8 लीटर में कितने होंगे, 1000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से, दैट इज 8000 ml। ओके, नाउ फिर हमारे पास दिया हुआ 325 ml है, ये भी ml है, तो ये एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे इधर ऐड, तो 8 लीटर 325 ml इक्वल टू 8000 में हम क्या ऐड कर देंगे, 325, तो आंसर क्या आ गया, 8000 325 ml। ओके,